गैलेक्सी S22 सैमसंग की तरफ से 2022 की मोस्ट कॉम्पैक्ट फ्लैगशिप डिवाइस, जिसमें स्पेक्स तो सारे फ्लैगशिप वाले पर साइज काफी छोटा है। डिजाइन इसका काफी स्लीक है, फ्रंट बैक गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स और साइड इसके एल्युमिनियम की है। राइट साइड पे पावर बटन और वॉल्यूम रॉकर्स है, जबकि लेफ्ट साइड बिल्कुल प्लेन है। टॉप साइड पे आपको 2 एंटेना बैंड्स और नीचे बॉटम में एक एंटेना बैंड मिलेगा। टॉप साइड पे आपको एक नॉइस कैंसलिंग माइक और एंटेना बैंड की एक लाइन मिलेगी, जबकि बॉटम साइड पे आपको सिम ट्रे, माइक्रोफोन टाइप सी चार्जिंग पोर्ट और स्पीकर ग्रिल देखने को मिलेगी। साइज वाइज फोन काफी ज्यादा हैंडी है, आप इसे एक हाथ से इजिली मैनेज कर सकते हैं। एक ही हाथ से मैं नोटिफिकेशन शेड तक नीचे कर सकता हूँ और मेरा थंब हर कॉर्नर तक पहुंच रहा है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि फोन के साइज आजकल बहुत ज्यादा बड़े और वेट भी काफी ज्यादा होता है, पर ये मुझे काफी लाइट वेट और हैंडी फील हो रहा है। ओवरऑल फोन काफी स्टर्डी और मुझे बिल्ड क्वालिटी में कोई कमी फील नहीं हो रही। हैंड फील की बात करें तो काफी प्रीमियम और लग्जरी फील होता है, तो डिजाइन वाइज मुझे इसमें कोई कमी फील नहीं हुई। डिस्प्ले इसका काफी इमर्सिव है, फ्रंट पे आपको फुल एच टू एच डिस्प्ले मिलेगा, जिसकी पीक ब्राइटनेस 1300 निट्स है, तो आउटडोर विजिबिलिटी में आपको कोई मसला फील नहीं होने वाला। और अगर आप इंडोर में बहुत कम ब्राइटनेस यूज करने के आदी हैं तो फोन बहुत ज्यादा डिम भी हो जाता है। इससे ज्यादा डिम करना चाहें तो इसमें एक्स्ट्रा डिम का ऑप्शन भी मौजूद है। फोन में डार्क मोड भी मौजूद है, जो कि बैटरी लाइफ इंप्रूव करने में हेल्पफुल है। डिस्प्ले 120 हर्ट्ज है, जिससे फोन बटरी स्मूथ फील होता है। मैंने वीडियो बनाने के लिए इसे स्टैंडर्ड मोड पे रखा हुआ है। अगर आप अडाप्टर पे स्विच करेंगे तो डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज से 42 हर्ट्ज के बीच में फ्लक्चुएट करता रहेगा, जिसका मैं आपको लाइव डेमो में दिखा देता हूँ। आप लोग ध्यान से देखते हैं, मैं जब तक डिस्प्ले पे फिंगर टच कर रहा हूँ इसका रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज रहता है, जबकि जैसे ही फिंगर हटाऊंगा डिस्प्ले वापस 42 हर्ट्ज पे शिफ्ट हो जाएगा। और लो एफपीएस की वजह से आपको वीडियो में डिस्प्ले ब्लिंक करता हुआ फील होगा, पर जैसे ही मैं इस पे टच करूंगा ब्लिंकिंग खत्म हो जाएगी और डिस्प्ले वापस 120 हर्ट्ज पे शिफ्ट हो जाएगा। तो क्वालिटी वाइज डिस्प्ले बहुत अच्छा है, पर इसमें एक कमी है। अगर सैमसंग इसमें LTPO डिस्प्ले देता तो बैटरी लाइफ फर्दर इंप्रूव हो जाती, पर उसके लिए आपको S22 अल्ट्रा की तरफ जाना पड़ेगा। और अगर डिस्प्ले क्वालिटी की बात करें तो फोन काफी ज्यादा डिसेंट है। S22 डिस्प्ले और काफी छोटी और यूनिफॉर्म बेजल की वजह से फोन काफी ज्यादा इंप्रेसिव फील होता है, तो डिस्प्ले में भी कोई कमी फील नहीं हो रही। फिंगरप्रिंट सेंसर इसका काफी फास्ट और रिलायबल है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मैं यहाँ पे थंब एंड रोल कर रहा हूँ, जिसे फोन काफी स्पीड से रीड कर रहा है। मैं जल्दी से फिंगरप्रिंट सेटअप कर लेता हूँ और फिर हम इसकी अनलॉकिंग स्पीड देखते हैं। फिंगरप्रिंट अनरोल हो गई और अब इसकी स्पीड पे नजर डालते हैं। फोन की अनलॉकिंग स्पीड बहुत अच्छी है, सेंसर पे फिंगर रखते फोन अनलॉक हो जाता है। आप इसे ऑफ स्क्रीन से भी अनलॉक कर सकते हैं, बस आपको थोड़ी सी मसल मेमोरी डेवलप करनी पड़ेगी, जिससे आपको आइडिया हो जाए कि फिंगरप्रिंट किस जगह पे है। तो फिंगरप्रिंट काफी फास्ट और रिलायबल है और इसमें मुझे कोई मसला फेस नहीं करना पड़ रहा। स्पीकर्स की बात करें तो इसमें डबल स्टीरियो पेयर है, एक नीचे बॉटम फैनिंग में, एक ऊपर ईयर भी इसमें। और अगर साउंड क्वालिटी की बात करें तो ये छोटा पैक बड़ा धमाका से कम नहीं है। स्पीकर्स काफी लाउड और बेस रिच हैं। साउंड का डेमो आपको सुना देता हूँ। बैटरी लाइफ की बात करें तो इसमें 3700 mAh की बैटरी है, जबकि पिछले साल S21 में 4000 mAh की बैटरी थी। इस साल बैटरी साइज छोटा, जिसे कंपनसेट करने के लिए डिस्प्ले साइज भी छोटा है और प्रोसेसर भी 4 नैनोमीटर बेस्ड है, जो कि ज्यादा एफिशिएंट है, जिसकी वजह से बैटरी बैकअप पिछले साल के S21 जितना है, जो कि पहले से ही काफी अच्छी बैटरी लाइफ है। नॉर्मल यूज पे ये फोन आपको इजिली 7 घंटे तक स्क्रीन ऑन टाइम देगा, जिससे आप इसे इजिली पूरा दिन यूज कर सकते हैं। फिर भी दिन के एंड पे आपके पास 30% तक बैटरी पड़ी होगी, तो बैटरी लाइफ बड़ी डिवाइसेस की तरह एक्सेप्शनल तो नहीं है, पर एक्सीलेंट जरूर है। स्पीड एंड परफॉर्मेंस की बात करें तो इसमें स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 प्रोसेसर है, जो कि करंटली एंड्रॉइड फोन्स में सबसे ज्यादा पावरफुल प्रोसेसर माना जाता है। 4 नैनोमीटर प्रोसेस से बना हुआ ये प्रोसेसर, जो कि इस टाइम की मोस्ट लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। स्पीड और गेमिंग टेस्ट के लिए अगर आप अलग से वीडियो देखना चाहते तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अभी आपको इसकी परफॉर्मेंस का रफ आइडिया देने के लिए कुछ ऐप्स ओपन करके दिखा रहा हूँ। और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, फोन की स्पीड बहुत आउट क्लास है, काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिव और बटरी स्मूथ डिवाइस है, तो परफॉर्मेंस वाइज भी फोन A+ है और आपको किसी तरह से कोई कमी फील नहीं होने वाली इसमें। अब जरा इसके कैमरा की बात कर लेते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, इसकी बैक पे 3 कैमराज है, एक वाइड, एक अल्ट्रा वाइड और एक 3x ऑप्टिकल जूम कैमरा। कैमरा क्वालिटी इसकी पिछले साल से काफी ज्यादा इंप्रूव्ड है। इस बार एक्चुअल 3x ऑप्टिकल जूम कैमरा है, जो कि 10x तक काफी शार्प और क्रिस्प फोटोज बना के देता है। अब मैं जल्दी से कुछ फोटोज बना लेता हूँ, रेंट पे आपको सैंपल्स दिखाता हूँ। वीडियो क्वालिटी की बात करें तो वीडियो काफी अच्छी है। वीडियो में मैक्सिमम 12x तक जूम है और 12x मैक्सिमम जूम करने के बाद भी वीडियो काफी ज्यादा शार्प फील हो रही है। इसमें मैक्सिमम 8K 24fps तक वीडियो शूट कर सकते हैं। वीडियो क्वालिटी सैमसंग की पहले से अच्छी थी और इसमें और ज्यादा इंप्रूव्ड है। अभी भी मैं ये वीडियो S21 से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और अगर आप S21 और S22 का ब्रीफ कंपैरिजन चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो शूट करते हुए ये बच्चा आके मुझे कहता है, फोटोग्राफर भैया मेरे भी फोटोज बनाए, तो उसी के साथ साथ आपको लाइव पोर्ट्रेट मोड टेस्ट करके भी दिखा देता हूँ। फोटोज मैंने 1x और 3x दोनों पे ली है, तो आप लोग डिसाइड करके बताइएगा कौन सी बेहतर है।
तो दोस्तों ये था आज का रिव्यू। अगर आप कोई कॉम्पैक्ट और पावरफुल डिवाइस ढूंढ रहे हैं तो इसको लाजमी कंसीडर करें, और अगर आप पहले कोई अल्ट्रा या मैक्स वगैरह यूज कर चुके हैं तो आप इस डिवाइस की तरफ हरगिज ना आएं। तो दोस्तों ये था आज का रिव्यू, अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दें। इसी तरह की टू द पॉइंट और शॉर्ट वीडियोस देखना चाहते तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का अपडेट मिलता रहे। मैं मिलता हूं आपसे इसी तरह की एक और वीडियो में, तब तक के लिए